हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है संडे और हमेशा की तरह अपने संडे राइड पर जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरा दोस्त पंकज चल रहा है। तो पंकज है और उधर और दोस्त आने वाले हैं चार, तो उनका वेट कर रहे हैं हम। एक्चुअली मेरे कैमरे का स्टैंड खराब हो गया था, इसलिए रास्ते का रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है। तो जहां भी रुकूंगा मैं वहां का रिकॉर्ड कर लूंगा। और दोस्तों, आज हम जहां जा रहे हैं, जगह का नाम है उखरीद। उखरीद एक गांव है, तो वहां मेरा दोस्त रहता है। तो उसने बुलाया था कि मिलने आओ, तो वहां भी मिल भी लेंगे और वहां का ब्लॉग भी बना लेंगे कैसा है जगह। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों चार दोस्त और जा रहे हैं हमारे साथ, नितेश भाई, सागर भैया और इधर आदर्श है और ये है रविश। तो रविश पूरा आज फॉर्म में आया है, जूता उत्ता पहन के शायद रनिंग वनिंग मारने वाला है वहां पे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आगे। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने जगह पर जहां हमें जाना था, और यहां से हमारा गाड़ी आगे जा नहीं पाएगा। और यहां राहुल भी आ गया है, उसके दो दोस्त आ गए हैं, और हमें उस मंदिर तक जाना है पहाड़ के ऊपर। तो माया टुंगरी मंदिर आप गए होंगे, तो वैसा ही कुछ ये लोकेशन है। और देख सकते हैं आप पूरा चारों तरफ पहाड़ और गाँव बसा हुआ है, ये उखरीद गाँव। यही है दोस्तों मंदिर, इस पहाड़ के ऊपर बसा हुआ ये मंदिर। काफ़ी सुंदर लग रहा है जगह। और दोस्तों इस मंदिर का नाम है पोना पर्वत धाम। इस जगह को बोलते हैं उखरीद गांव और इस मंदिर का नाम है पोना पर्वत धाम। तो आप भी आ सकते हैं इस मंदिर में। और दोस्तों ये एरिया पीछे का है, मंदिर के पीछे का एरिया, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूरा पहाड़ के बीच में बसा हुआ ये मंदिर। दोस्तों आप देख लीजिए हम पहाड़ के कितने ऊपर हैं, कि यहाँ पर ये चील उड़ते हुए भी दिख रहे हैं एकदम सामने सामने। तो अभी चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और देख सकते हैं आप, मंदिर लग रहा है अभी नया नया पेंट किया गया है। काफ़ी पुराने टाइप का मंदिर है, जो कि पुराने फिल्मों का याद दिला देता है। और यही है भगवान यहाँ के, पोना पर्वत धाम के ये भगवान। दोस्तों मेरे दोस्त ने बताया कि इस पहाड़ के बीच में एक दुर्गा माँ का भी मंदिर बसा हुआ है, जो कि रास्ता थोड़ा ख़राब है जाने के लिए, लेकिन हम ट्राई करेंगे जाने का। चलो आ जल्दी। दोस्तों रास्ता काफ़ी ख़राब था, पर उसके बावजूद भी हम उतर गए हैं। और ये बीच बीच में रॉड का सपोर्ट दिया हुआ था, लेकिन ये उतना काम आ नहीं पाया, उतरने में काफ़ी दिक्कत हुआ हमें, क्योंकि पूरा पहाड़ से उतर रहे हैं हम नीचे। और यहाँ रविश आ रहा है पूरे स्टाइल में, और सागर भी हैं उसके पीछे। फाइनली दोस्तों हम अपने लोकेशन पर पहुंच गए हैं और देख सकते हैं ये मंदिर आ गया, दुर्गा माँ का मंदिर। यहाँ हनुमान जी का बड़ा सा एक मूर्ति है और ये गुफा के बीच में है। और यहाँ पर ये लुक देखिए, शेर का लुक दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों मेरे दोस्त ने बताया कि इस जगह पर शेर आकर रहा करते थे, जो कि इस फिर गाँव वालों ने इसे दुर्गा माँ का मंदिर बना दिया। तो शेर आकर यहाँ अंदर में बैठते थे गुफा के अंदर। और आप देख लीजिए कितना सुंदर मंदिर है, ये प्यारा सा। इधर शंकर भगवान का भी मूर्ति है, दुर्गा माँ का मूर्ति है। दोस्तों पूजा हमने कर लिया है मंदिर में और अब हम जाने का तैयारी कर रहे हैं। तो पहाड़ की तरफ से आए थे हम, लेकिन अभी पहाड़ की तरफ से जाना नहीं है। दोस्त ने बताया कि नीचे से भी एक रास्ता जाता है, जो कि बाइक से भी हम आ सकते हैं। एक्चुअली हम पहले पोना धाम मंदिर गए थे, तो उधर ही से होते हुए हम लोग आए हैं इस मंदिर में, इसलिए हमें पहाड़ से आना पड़ा। तो आप आना चाहें तो आप रोड से भी आ सकते हैं। तो रोड से भी एक रास्ता आता है, जो कि नीचे नीचे ये रास्ता देखिए। अभी हम इधर से जाएंगे तो आपको रास्ता भी दिखा देंगे।
यही रास्ता है दोस्तों मंदिर तक आने का, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो लगभग आप यहाँ तक आ सकते हैं बाइक को लेकर, फिर यहाँ पर लगा के आप 10 कदम पे ही मंदिर रहता है। तो हम तो पहाड़ से आए थे बट आप ये रास्ते से आ सकते हैं। देखिए वहाँ बच्चों ने साइकिल भी खड़ा किया हुआ है, तो वहाँ तक आपका आराम से बाइक आ जाएगा और फिर यहाँ से आप आराम से पैदल जाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज है 18 जुलाई संडे, तो आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे भी है आलोक का, तो उसका भी बर्थडे का तैयारी करना है कुछ, तो शाम में उसके बर्थडे का तैयारी होगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।